हेलो एवरीडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 1994 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ था और ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली दो तीन चीजें हम सीखेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। फर्स्ट थिंग है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है फर्स्ट। दूसरा चीज कि एनर्जी कंजर्वेशन, रोटेशनल एनर्जी कैसे कंजर्व कैसे करवाते हैं। ओके चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व करने पर इसको पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है कि टू यूनिफॉर्म थिन रॉड्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 0.6 मीटर इच एंड ऑफ मास 0.01 केजी 0.02 केजी रिस्पेक्टिवली। ओके तो and respectively are rigidly joined end to end। देखो हो क्या रहा है, ये दो रॉड है, ये ए है, ये रॉड बी है, ठीक ना। इसका यहां से ये यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर है और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये वाला वह भी 0.6 मीटर है। ओके ए का मास है 0.01 केजी, इसका मास क्या है 0.02 केजी। ओके और अब क्या हो रहा है कि और ये जो ज्वाइंट है ना ये रिजिडली ज्वाइंट है। ओके मतलब ये जो ज्वाइंट है वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, टाइट है। ओके रिजिड है और ये जो दोनों है सेम मतलब पार्टिकल में ना मतलब लाइक मोशन जो होगा एंगुलर मोशन होगा वो सेम टाइप का होगा। ओके such that it can freely rotate about point P in a vertical plane. This is again ये important information दिया हुआ है यहाँ पे। तो motion किस plane में हो रहा है? Vertical plane में। और ये किसके about rotate कर सकता है? ये point P के about में। Okay? मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब point P के about में it जो whole system है it can rotate circular motion कर सकता है। Okay? ये whole system it can रोटेट। ओके चलो अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.05 केजी ओके मूविंग हॉरिजॉन्टली अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिट्स द लोअर एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन स्टिक टू इट। ये अगेन यहां पे स्टिक कर जा रहा है और लोअर एंड को हिट करता है लोअर एंड। ओके तो ये देखो ये जो है ये मूव कर रहा है, इसका मास दिया हुआ 0.05 केजी है और वो इस रॉड को हिट करता है, यहां पर हिट किया। हिट करने के बाद ये क्या कर रहा है, इसे स्टिक कर जाता है ठीक। तो और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ठीक ना, अगर वर्टिकल मूव करता तो मे बी सम कुछ दूसरा हो जाए लाइक दिस ऐसे, अगर ऐसे मूव करता तो इशू हो सकता था किसी पर्टिकुलर एंगल को मूव करता अगेन कुछ मतलब देयर मे बी सम इशू। ओके बट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ठीक। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट द सिस्टम कुड जस्ट बी रेज्ड टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। क्या होना चाहिए कि जो सिस्टम है जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक चला जाए। ओके चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। एक चीज देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं इस पॉइंट पी के अबाउट मतलब ये जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखा जाए तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ओके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ठीक। इस पॉइंट पी के अबाउट में सिस्टम पर कोई भी टॉर्क नहीं है। ओके और एक जो मे बी अगर टॉर्क है ऐसे देखा जाए कि भैया मान लो ये एमजी लग रहा है तो वो क्या है जब ये बहुत क्लोज आ जाएगा, इसके क्लोज आ जाएगा और थिन रॉड है सो दैट टॉर्क विल बी आल्सो बी जीरो। ओके जब ये बिकॉज इट इज रिटन हियर दिस रॉड इज थिन तो इसका मतलब क्या, अगर मान लो यहां पर एमजी इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यहां पर तो ये क्या है इस एमजी का टॉर्क तो जीरो होगा ही होगा, यहां पर भी होगा सो देयर इज नो
torque about this hinged point, this pivot point. Okay, so guys, momentum is going to conserve here. Angular, more precisely, angular momentum, not momentum, but angular momentum is going to conserve here. Okay, so So first thing, angular momentum about the P just before the collision. And after collision, just after collision, ये क्या रहेगा? ये रहेगा conserve. Okay, angular momentum रहेगा conserve भैया, just before collision, just after the collision. चलो, तो ये हमारा हो गया first point. Okay, अब देखो ये question में क्या पूछा है कि what should be the velocity of the object so that the system could raise to just be raised to the horizontal position. मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि जो system जो है ना वो हमारा यहां तक आ जाए, rod है वो यहां तक आ जाए. Okay, so guys देखोगे ये whole system जो है उसमें कोई भी after the collision there is no external force which is doing work. There is no external force or non-conservative force which is doing work. So in this whole motion, energy of the system is going to conserve. Okay. So for motion from vertical to horizontal position क्या रहेगा? position energy of the system is conserved. Okay, system की energy क्या रहेगी? conserve रहेगी. और कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी. वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी. सो गाइस चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज देखा जाए तो इसमें जो मासेस जो दिए गए हैं वो 0.01, 0.02, 0.5 वो बहुत गड़बड़ मासेस हैं. ठीक ना, इतना लंबा चौड़ा घुड़ा भाग करना भैया बहुत मुश्किल होगा. तो एक काम करते हैं, मैं एज्यूम करता हूं ए का जो मास है, ए का जो मास है, मास ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू एम. सो मास ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा भैया? 2m होगा. एंड मास ऑफ जो पार्टिकल है वो क्या होगा आपका? 5m. ठीक, ओके. और एक चीज और कर लेते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है ना, तो उसको मैं लेता हूं. देखो क्योंकि मैं अगर टोटल लेंथ 12 है मतलब 1.2 मीटर है, तो मैं 1.2 मीटर इक्वल टू 4L. 1.2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4L. सो L इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.3 मीटर. ठीक ना. और भाई इसके मेन जो रीजन है गाइस इसको करने के लिए, तो आप देखोगे कि जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा यहां से वो क्या होगा? वो 0.3 मतलब इस एंड से 0.3 मीटर पे होगा. ठीक ना. तो हम लाइक कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन करवाएंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन करवाएंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की. ओके, तो इतना मॉडिफिकेशन करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो अब इसमें स्ट्रेटजी क्या मैं लगा रहा हूं कि एक काम करते हैं, ये पूछ रहा है कि अब गाइस देखो ये यहां से यहां तक मतलब इस पोजीशन से रॉड जो है यहां तक जाता है.
हॉरिजॉन्टल पोजिशन में जाता है, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा। वो काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, हमें कितनी मिनिमम उतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक ना। और वो आई शुड नॉट से काइनेटिक एनर्जी बट टोटल एनर्जी, हमें मिनिमम टोटल एनर्जी, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो हमें चाहिए मिनिमम, तभी जाकर के जो सिस्टम है हमारा यहां तक पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। ओके तो यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितनी काइनेटिक मिनिमम, कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि सिस्टम यहां तक पहुंच जाए, उस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। और उस कैलकुलेशन के करने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे कि ये जो पार्टिकल इसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके चलो, तो गाइज मैं एक यहाँ पर रफ डायग्राम बना लेता हूँ होल सिस्टम का। तो देखो भैया क्या है कि ये हमारा है पॉइंट, इंस पॉइंट पी हो गया, और ये रॉड हो गया, ये हो गया ए, यहाँ पर एक रिजिड ज्वाइंट हो गया, ये रिजिड ज्वाइंट, और रिजिड ज्वाइंट के बाद ये हमारा हो गया रॉड बी, और यहां पर हो गया पार्टिकल जाके स्टिक कर दिया, ठीक। चलो तो गाइज यहां पर इस जगह पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेता हूं, इस पॉइंट को मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो लूं, तो चलो मैं इस स्टेज में जब मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम यहां पर है तो इसका एनर्जी का इक्वेशन में लिखता हूं। तो देखो हम इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ई वन अगर मैं लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हिच इज द जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड बी, तो गाइज ये रॉड है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास पे होगा, तो ये वाला लेंथ जो है वो क्या होगा, वो 0.3 मीटर होगा। टोटल क्या है देखो, ये यहां से 0.6 मीटर है ये टोटल लेंथ, और यहां से ये 0.6 मीटर है टोटल लेंथ, ठीक ना। तो 0.3 मीटर मतलब L, इसका मास क्या है 2m, हमने लिखा हुआ है 2m, ठीक ना। तो गाइज इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये रॉड बी का, वो होगा 2m इंटू एल, ठीक, इंटू जी प्लस। अब ये देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेसिकली यहां पर होगा बीच में, और ये जो डिस्टेंस होगा 0.3 होगा, ठीक ना। तो जो टोटल लेंथ होगा यहां से आप देखोगे दैट विल बी 0.9 L, 0.9, ठीक ना। सो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फॉर रॉड बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड बी विल बी नॉट रॉड बी रॉड ए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड ए विल बी मास ऑफ ए इंटू जी इंटू हाइट, दैट विल बी 3 L, ओके 0.9 मतलब 3 L, ओके। अब नाउ अब जो होल सिस्टम है वो इसके अबाउट ये जो पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक काम करता हूं मैं उसके अबाउट रोटेशन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं। सो प्लस इसके अबाउट मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, तो ये क्या होगा हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, किसके अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट, किसका, होल सिस्टम का। तो हमें आई को कैलकुलेट करना है, चलो तो आई को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके सो कैलकुलेशन फॉर आई, चलो मैं यहां पर आई को कैलकुलेट कर लेता हूं। सो आई इज इक्वल टू ये क्या होगा, देखो ये पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेसिकली 4L होगा, पूरा लेंथ देखा जाए तो दैट विल बी द 4L, यहां से ये वाला, ठीक ना 1.2। तो मैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा बेसिकली मास दैट इज द 5m इंटू 4L का स्क्वायर, ओके 4L का होल स्क्वायर प्लस। अब ये रॉड बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें पी के अबाउट, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर इसको लिखें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1/12 2m मास हो गया इनटू ये टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड बी दैट इज द 2L, ओके 0.6 दैट इज द 2L, 2L का स्क्वायर प्लस
मास 2m। अब देखो सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से ये वाला जो डिस्टेंस होगा गाइस, देखोगे ध्यान से, तो दैट विल बी द 3l इनटू 3l स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा रॉड बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रॉड ए का क्या होगा? सो रॉड ए का प्लस मास हो गया m बाई 12 इंटू एल, दैट इज द 2l का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, फिर से मास m। अब देखो यहां सेंटर ऑफ मास से ये वाला लेंथ कितना है? आई होप गाइस कि जो मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं ना 1/12, उससे आप कंफर्टेबल होंगे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के बारे में आइडिया होगा। ओके, सो m इंटू ये हो गया हमारा l का स्क्वायर। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो व्हाट आई गेट हियर, ये हो गया 16, 80 ml का स्क्वायर प्लस यहां पर आ गया 1/12। सो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 8/12 ml का स्क्वायर, इज इट करेक्ट, और प्लस 18 ml का स्क्वायर। सिमिलरली 4 ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर। सो गाइज ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखोगे इन दोनों को, तो ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12/12। सो व्हाट आई गेट हियर, 80 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस 18 और ये 1 प्लस 18 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, सो टोटल विल बी 100 ml स्क्वायर, 100 ml का स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द होल सिस्टम विल बी 100 ml स्क्वायर, दिस इज द आई, ये किसका होगा, अबाउट पी के, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो होगा वो पी के अबाउट होगा, ठीक ना। तो चलो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का यहाँ पर जो इक्वेशन है उसका यूज कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ये हमने जो यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये जो हो गया हमारा, देखोगे ये हो गया 5 mgl, 5 mgl प्लस ये 100 बाई आई इज इक्वल टू 100 ml, ठीक ना, ml स्क्वायर, 100 ml स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 50 ml स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू क्या, ये जो पूरा रॉड है वो कहां पहुंच जाएगा, इस लोकेशन पर पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो ये जो टोटल लेंथ है गाइस देखोगे तो 4l हो जाएगा, तो 4l ये हो गया हाइट प्लस टोटल मास, देखोगे तो आपको मास है, मास ऑफ पार्टिकल बी और ए डेट विल बी, इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो 5m, ये टोटल हो जाएगा 8m, सो 8m इंटू जी। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, 50 ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, 32 माइनस 5 दैट विल बी 27, 27 जी। सो व्हाट विल बी ओमेगा, ओमेगा विल बी बेसिकली 27 बाई 50 जी बाई एल अंडर रूट। ओके गाइज, सो गाइज अब क्या करता हूं मैं, मुझे ओमेगा की वैल्यू तो पता चल गई, अब मैं लिखता हूं एनर्जी कंजर्व मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन, ठीक ना। तो मोमेंटम क्या होगा आप देखोगे, तो अगर मान लो ये, मैं यहां पर एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं,
ये हो गया हमारा रॉड, और यहां पर ये पार्टिकल हुआ, इससे जो होता है कोलाइड करता है इस पॉइंट पी के अबाउट में, मैं एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पॉइंट पी के अबाउट में जस्ट बिफोर कोलिजन, वो क्या होगा, 5m मास ऑफ पार्टिकल, 5m लेट अस अज्यूम इसकी वेलोसिटी v है, सो इनटू v इनटू ये जो टोटल लेंथ होगा वो 1.2 होगा, दैट मींस 4l इज इक्वल टू i 100 ml स्क्वायर, ये i हो गया पॉइंट p के अबाउट, और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, अंडर रूट 27/50 जी इंटू एल जी बाई 27/50 और क्या हो गया जी बाई ओके। तो अब एक काम करते हैं, मैं वी की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। सो गाइस वी की वैल्यू देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 होगा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां पर बेसिकली आएगा 5, ये क्या होगा वी की वैल्यू जो आएगी वो होगी 100/20L ओके, 27/50 जी आई एल, सो ये क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, ये बेसिकली हो गया 5, सो 5 27/50 जी रूट एल ओके। तो अब एक काम करता हूं, मैं जो हूं ना वैल्यू रखता हूं सभी की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 रूट 27 जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो मैं 10 ले लेता हूं, 10 इंटू एल के वैल्यू 0.3 ओके डिवाइड बाई 50, सो तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो 27 इंटू 3/10 कर देते हैं ओके और रूट ये यहां पर क्या आएगा, एक मिनट रुक जाओ ये अननेसेसरी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 27 इंटू 0.3 इंटू 5 ओके, सो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 0.1 इंटू 5 ओके, हाँ ये हो गया। तो गाइज आप देखोगे ये हो जाएगा 3 का क्यूब है ना ये, तो 3 का स्क्वायर ओके 0.5 अंडर रूट 0.5 दैट विल बी 9/√2, सो व्हाट विल बी द वी विल बी 9/√2, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा, एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।